सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज नितिन सिंह एंड आई एम बैक अगेन विथ माई न्यू वीडियो. ओके, तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, इसके प्रीवियस वीडियोज में हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया है टोटली अच्छे से, सारी चीजें हमने उसमें देख ली है. और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं 10th के, तो आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे. और उसके बाद अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप आई बटन दबा के वहां पे जाके मेरी पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो को आप देख सकते हैं. उसके बाद मैं आपको भाई ये बता दूं, ये पहला इंट्रोडक्शन देखना आपको इसलिए जरूरी है कि वहां पे आपको ऐसी बेसिक चीजें मिलेंगी जो कि आप आई थिंक कहीं पे भी अभी तक नहीं देखे होंगे. क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे ऐसा बोला कि सर जो छोटी छोटी चीजें आपने बताई है ऐसा मैंने अभी तक किसी वीडियो में नहीं देखा. तो भाई ये चैनल ज्यादा ग्रोथ नहीं है अभी, लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे और वीडियोस को देखेंगे तो ये चैनल भी ग्रोथ करेगा और आपका भी माइंड बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा. तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो कि हमारे लाइट चैप्टर्स में है. और हम 10th का जो अपलोड कर रहे हैं वो बेसिकली क्या बोलते हैं, हमारे 10th की फिजिक्स है. फिजिक्स पहले मैंने बताया था जैसे प्रीवियस वीडियो में कि पहले फिजिक्स पूरी कवर होगी, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी. ओके, और ऑल्सो आपके जितने भी क्या बोलते हैं मैथ के वीडियोस हैं वो बैक टू बैक उस पे आ रहे हैं, एजुकेशनल हाइक चैनल्स पे हमारे आ रहे हैं. आप प्लेलिस्ट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, इंग्लिश के भी आ रहे हैं और SST के भी आ रहे हैं. ठीक है, तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए अपना आप शुरू करते हैं और उसके बाद हम इसमें सारी चीजें जो होगी, जो इंपॉर्टेंट चीजें उस पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे. चलिए, देन पहला मैंने आप लोग को उस चैप्टर में बता दिया था कि लाइट और रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है. भाई किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसका मतलब जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप उस चीज का नाम नहीं जानेंगे, उसका मतलब नहीं जानेंगे, तो आप कुछ भी नहीं उस पर कर पाएंगे, उस पर आपका कुछ भी काम नहीं हो पाएगा. तो पहला लाइट देखते हैं, लाइट क्या होता है. तो मैंने लाइट के बारे में बताया था कि प्रकाश, रोशनी. ठीक है, लाइट को क्या बोलते हैं, प्रकाश, रोशनी, जो उजाला करे चीजें. ठीक है, उसकी मैंने एक पर्टिकुलर अलग डिफिनेशन, रिफ्लेक्शन की एक पर्टिकुलर अलग डिफिनेशन और रिफ्रेक्शन की एक पर्टिकुलर अलग डिफिनेशन मैंने आपको दी हुई है, कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है. ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं मैंने लिखा है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल टू सी थिंक अराउंड अस. कोई भी चीज हम अपने दिनचर्या में या अपने यूनिवर्स में, कोई भी चीज अपने अर्थ पे भी, कोई चीज आसपास की चीजें अगर हम इजिली देख पाते हैं तो किसके वजह से देख पाते हैं, लाइट की वजह से. क्योंकि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी है जिसके वजह से मैं आसपास की चीजें हम लोग देख पाते हैं. ठीक है, इसके पिछले वीडियो में मैंने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सर्फेस के बारे में बताया था और भी बहुत सारी चीजें बताई थी कि हम आसपास की चीजें जो कलरफुल देख पाते हैं किस वजह से देख पाते हैं. तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसको जाके देखिए, आपको यहां पे कनेक्ट होगी. क्योंकि फिजिक्स ऑल अबाउट एजम्पशन, आपका इमेजिनेशन अगर अच्छा है तो आप फिजिक्स को उड़ा देंगे. ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा चीजों को, और इमेजिन कैसे करेंगे, आप इंट्रोडक्शन देख के आइए फिर आप इस वीडियो पे आइए. ठीक है, देन आते हैं, लाइट हो गया क्या होता है, जो आसपास की चीजें हम देख पाते हैं ये एक एनर्जी है. जैसे हमारे अंदर एक एनर्जी होती है जो हमको सन से मिलती है, जो हम खाना खाते हैं उससे मिलती है, वैसे लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम अपने आसपास की चीजों को इजिली देख पाते हैं. गॉट इट, फिर देखते हैं भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है. रिफ्लेक्शन को बोलते हैं प्रतिबिंब. क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब. इसको इमेज भी बोलते हैं. सर इमेज क्यों बोलते हैं भाई, इसकी जो इमेज इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट डिफिनेशन, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इसको इमेज बोलते हैं, चित्र बोलते हैं. रिफ्लेक्शन भी मतलब वही है, लेकिन इमेज आप बोल देंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ कुछ चित्र है उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं. अभी मैं आपको बताता हूं कि इसको रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं. ठीक है, तो पहले आप इसमें डिफिनेशन पर देख लेते हैं. इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे. मैं डिफरेंट कलर का यूज करूंगा बिकॉज यहां पे एक ही कलर है. इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे ऑन स्ट्राइकिंग ऑन द सर्फेस. बस इससे ज्यादा कुछ नहीं. कोई भी सरफेस पे कोई रे, लाइट की कोई भी रे जब रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक करती है तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. इसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन. कोई भी लाइट रे आएगी किसी भी सरफेस पे, भाई किसी भी सरफेस का मतलब वो सरफेस सिर्फ ओपेक होनी चाहिए. कौन सी होनी चाहिए, ओपेक. अगर सरफेस ओपेक नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, तो आधी लाइट उस पार चली जाएगी, तो इससे रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा. रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है कि किसी सरफेस पे लाइट गई, वो एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट की, दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट की, डजंट मैटर, लेकिन वो रिफ्लेक्ट की, मतलब गिरने के बाद बाउंस बैक हो गई. बाउंस बैक का मतलब समझ लेना, गिरने के बाद बैक होना. ठीक, बाउंस बैक हो गई, इसीलिए उसको उस पर स्ट्राइक की और बाउंस बैक हो गई, इसीलिए हम इसको रिफ्लेक्शन का नाम दे दिए. अच्छा, इसका इमेज का है नाम पड़ा. सर इमेज का है नाम पड़ा, ये भी ज्यादा जरूरी है. इमेज इसलिए नाम पड़ा कि जब किसी सरफेस पे कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है तो वो शैडो फॉर्म करती है. क्या फॉर्म करती है, शैडो. उसी शैडो को हम इमेज का नाम देते हैं.
ठीक है, इमेज का एग्जांपल देता हूं रिफ्लेक्शन का, बहुत अच्छा सा जो आप कनेक्ट कर पाएंगे। सपोज करिए कि आपके घर में शीशा है, बढ़िया सा, और शीशे के सामने आप जाके खड़े हो जाते हैं तो क्या पाते हैं? अपने आप को पाते हैं उस शीशे में। क्यों पाते हैं? क्योंकि आपके कमरे में रोशनी है। क्या है? रोशनी, लाइट है। वो लाइट आई आपके आंख से रिफ्लेक्ट करके उस शीशे पे रिफ्लेक्ट बैक हुई, किससे? शीशे से। इसलिए आपकी इमेज पूरी की पूरी बन गई, और इमेज को ही क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। व्हाट इट, समझ में आया? आज मैं थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक हूं क्योंकि प्रीवियस वाले वीडियोस में क्या हुआ था कि मैंने बहुत लेट शूट किया था, इसलिए मैं बहुत थका था, लेकिन आज मैं थोड़ा एनर्जेटिक हूं और मैं हमेशा ऐसा रहता हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इमेज। अगर आपसे कोई पूछता है रिफ्लेक्शन और इमेज दोनों की मीनिंग एक है लेकिन डिफरेंस समझाओ, तो सिंपल सा बता देना कि सामने शीशे के खड़े हुए तो इमेज दिखी, तो रिफ्लेक्शन कैसे हुआ? लाइट आई आंख से रिफ्लेक्ट करके शीशे से रिफ्लेक्ट बैक हुई तो इमेज बन गई, और इसी को रिफ्लेक्शन और इमेज दोनों बोलते हैं। तो इसकी मीनिंग थी, ठीक है, इतना ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्शन हो गए, देन आता है रिफ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं, रिफ्रैक्शन को हम लोग डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। डिफ्लेक्ट कर जाना मतलब किसी एक पाथ से दूसरे पाथ में चले जाना, मतलब डिफ्लेक्ट कर जाना, एक पाथ से दूसरे पाथ में जाने को ही डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने इसकी भी डिफिनेशन दे रखी है जो कि आपको आज तक कहीं नहीं मिली होगी, आप देख सकते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ बेंटिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस टू अनदर। क्या बोला? ट्रांसपेरेंट, ध्यान से ट्रांसपेरेंट। क्या? ट्रांसपेरेंट। यहां पर ओपेक सब्सटेंस का यूज हो रहा है लेकिन यहां पर क्या होगा? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का यूज होगा, बिकॉज जब भी रिफ्रैक्शन होता है उसमें एक जो हमारी लाइट होती है वो एक सरफेस से दूसरे सरफेस में बेंट हो जाती है, मतलब घुस के निकल जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। मैंने आपको देखिए प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर जो लोग देखे होंगे, कि एक मैंने सिंपल सा क्या किया था, एक ऐसे कार्डबोर्ड या कह सकते हैं कि मैंने सिंपल सा ग्लास लिया था, उसमें लाइट आई और उसके बाद आर पार हो गई, सारी की सारी लाइट आर पार हो गई। ठीक, ओपेक में क्या हुआ था? लाइट आई और यहीं पर सारी रुक गई, तो ओपेक सब्सटेंस मतलब रिफ्लेक्शन वाला, और जो बैक उसमें से निकल के जो उस साइड चली गई उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट रहेगा, इसलिए रिफ्रैक्शन। अभी मैं इसका डायग्राम दोनों का बना के आपको दिखाता हूं तो आप इससे बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि तो मैं यहां पे एक छोटा डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, तो आप देखते रहिए यहां पे, जैसे मैं एक छोटा सा डायग्राम यहां पे आपको शो करके बताना चाहूंगा कि क्या होता है। लाइक ये एक सर्फेस है, कौन सा सर्फेस है? ओपेक सर्फेस है। ओके, ओपेक सर्फेस है। ठीक, एक ओपेक सर्फेस है, स्पेस है। ओपेक सर्फेस मतलब वो पॉलिश भी हो सकता है, वो खुरदुरा भी हो सकता है, अनपॉलिश भी हो सकता है, बस ओपेक सर्फेस रहे। ठीक है, तो लाइट आई और यहां से निकल गई, लाइट आई यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट आई इसी मीडियम में काम हो रहा है भाई, इसी मीडियम में काम। पहले तो आप एक काम करिए, आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो मैं ये करता हूं गंदगी ये आपको अपने कॉपी में नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप एक स्नैपशॉट लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको। यस, ओके, थैंक यू। तो फिर लाइट आई और रिफ्लेक्ट कर गई, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, इट इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस, सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद लौट गई, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन पे आते हैं, रिफ्लेक्शन का कहां बनाओ यहां बनाते हैं, चलो ये रिफ्लेक्शन का। ठीक, कोई भी ट्रांसपेरेंट लेना है भाई, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस लेना है, यहां पर मैंने क्या बोला, ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट क्या था? वॉटर, ग्लास, बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट लेते हैं, एयर। ठीक है, तो वॉटर ले लो, यहां पे लिखते नहीं है, डायरेक्टली अपने दिमाग में रखो। ठीक है, तो यहां पे अगर कोई भी, पहली बात तो हर चीज के पीछे एक नॉर्मल बनता है, अभी मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा, तो आप यहां पे देखिए, तो एक लाइट आई। ठीक, अब ये इधर नहीं जाएगी क्योंकि यहां पे सरफेस क्या है? ट्रांसपेरेंट। मैंने बताया था ना, ट्रांसपेरेंट सर्फेस में सारी लाइट आर पार हो जाती है, तो अब इससे आर पार हो जाएगी, मतलब ये कुछ ऐसे सीधे एकदम नहीं जाएगी, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे बेंट हो जाती है, हल्का सा। ठीक है, जब पूरा एकदम सीधे नहीं जाती, थोड़ा हल्का सा बेंट हो जाती है। वो हमें दिखता क्यों नहीं है सर? जब टॉर्च मारते हैं सर, तो टॉर्च तो हमको वैसे की वैसी, टॉर्च की रोशनी वैसे की वैसी दिखाई देती है, दिखता क्यों नहीं भाई? दिखता है, अगर आप ध्यान से आप सरफेस के नीचे देखेंगे, आप कभी क्या बोलते हैं, क्वाइन को अगर फेंक के देखेंगे तो क्वाइन आपको थोड़ी बड़ी दिखेगी, तो इसी की वजह से होता है। जब आप वो लाइट को देखेंगे, उस लाइट का जो सर्फेस एरिया रहता है, मान लीजिए टॉर्च है, उसका सर्फेस एरिया यहाँ पे इतना छोटा है, लेकिन जब वहां पे मारेंगे तो वो थोड़ा बड़ा आपको दिखेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे होता है, बहुत छोटा डिफरेंस होता है, और ये रिफ्रैक्ट कर जाती है, मतलब आप कह सकते हैं यहां पे अगर आप नॉर्मल बना लें, परपेंडिकुलर एक लाइन बना लें, तो ये इससे बैक हो जाता है, और अगर इसमें अगर आप परपेंडिकुलर बनाएं तो ये एकदम सीधे जाता है, जितना एंगल इसका उतना एंगल इसका, और ये ऐसा हो जाता है। अभी मैं इस पर बहुत ही डीप में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करूंगा, अभी आपको मैं सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूं। देन इट इज अ प्रोसेस ऑफ बेंडिंग लाइट्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस टू अनदर। सर, एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से दूसरे, सर एक क्या बोलते हैं, एक हमारे एक जगह से दूसरी जगह पे ये रिफ्रैक्ट कर जा रही, तो इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? चलिए भाई, फिर इसके बाद आगे देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट, जो कि जानना जरूरी है कि इस लाइट की स्पीड कितनी होती है।
तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जहां पे कोई एयर के पार्टिकल प्रेजेंट ना हो, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। उसमें होती है 3×10^8 m/s। चलो 3×10^8 m/s एंड 3×10^10 cm/s, ठीक है, वो कन्वर्ट कर दोगे तो आ जाएगा। और उसके बाद 300,000 km/h ये भी होती है, तो तीनों आप कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिख दिया कि आपको तीनों पता हो, क्योंकि एग्जाम में पिछले ही साल अभी क्या बोलते हैं 3×10^10 cm/s पूछा था किसकी लाइट किसकी होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट होती है। कुछ बच्चे इसको रट के जाते हैं एट वाला और सिस्टम उनका गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। और उसके बाद इसको डिनोट किसे किया जाता है सर, मतलब कि अगर भाई निक नेम तो होता है ना, आपका भी निक नेम मेरा भी निक नेम, तो सबका अगर एक ही नाम होगा तो दूसरे नाम से कौन बुलाएगा, तो इसीलिए इसका एक निक नेम होता है जिसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये था स्पीड ऑफ लाइट का कुछ छोटा मोटा चीज, छोटी मोटी चीजें। उसके बाद इसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी दिखी जो कि आपने आई थिंक अभी तक कहीं नहीं देखी होगी, तो आप इस पर भी देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, तो इतनी होती है भाई, यहां मैं बोल देता हूं 29,97,2,547 km/s, इतनी स्पीड, इतनी इसकी वेलोसिटी होती है। तो भाई इतनी ज्यादा वेलोसिटी और इतनी इतनी स्पीड कन्वर्ट करोगे तो सेम ही लगभग आएगा, बस स्पीड और वेलोसिटी में आपको पता है क्या डिफरेंस होता है, नाइन्थ में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये था आपका छोटा सा क्या बोलते हैं फंडामेंटल इस चैप्टर का, इसको आप प्लीज नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि बिलीव मी जो यहां पे मैं दे रहा हूं ये कहीं पे नहीं मिलेगा, और कहीं पे मिल जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा फिजिक्स, ठीक है। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आगे के टॉपिक पे बात करते हैं। ओके गाइस, जैसा कि अभी डिस्कस किया हम लोग ने इस चैप्टर में थोड़ी चीजें, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया और लाइट की स्पीड के बारे में हमने देखा, और उसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसके आगे की चीजें क्या है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो टाइम ना खराब करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, भाई पहली चीज तो ये बताइए हमें कि जब भी हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं या किसी चीज को देखते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना जरूरी रहता है। एक इंसान ही है, हम ही आप हैं, हमारी आपकी प्रॉपर्टी अगर नहीं किसी को पता रहेगी, हमारे आपका नेचर अगर किसी को नहीं पता रहेगा, तो वो बंदा कैसे हम लोग से इंटरेक्ट कर पाएगा, कैसे हम लोग के साथ रह पाएगा। वैसे ही लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में भी जानना जरूरी कि लाइट के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पे चार पॉइंट्स में प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है, तो लेट इट क्लियर। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब, बात कर ली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब पे, पहले वाले वीडियो में बहुत ही ज्यादा डीप में बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब के बारे में कि हमारी जो लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब होती है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब, इट डज नॉट नीड एनी मीडियम, मतलब इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब है और इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे इसको वैक्यूम में दौड़ाओ, चाहे इसको एयर में दौड़ाओ, चाहे इसको वाटर में दौड़ाओ, किसी भी मीडियम में इसको कहो कि फ्लो कट जाए तो किसी भी मीडियम में चलेगी, ठीक है, इसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसका सेकेंड देखते हैं, लाइट ट्रेवल इन रेक्टलीनियर प्रोपोगेशन और स्ट्रेट लाइन, रेक्टलीनियर प्रोपोगेशन और स्ट्रेट लाइन, ओके? तो लाइट जो है हमारी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, सबको पता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को ही रेक्टलीनियर प्रोपोगेशन बोलते हैं, रेक्टलीनियर प्रोपोगेशन मतलब किसी एक ही दिशा में सीधे जाना, किसी एक ही दिशा में सीधे जाना, मीन्स आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने लोअर क्लासेस में रेक्टलीनियर प्रोपोगेशन, कर्व लीनियर प्रोपोगेशन, सॉरी कर्व लीनियर मतलब घुमा के जाना, तो कर्व लीनियर प्रोपोगेशन, ठीक है। और यहाँ पे रेक्टलीनियर प्रोपोगेशन, कोई बंडल ऑफ लाइट किसी एक ही डायरेक्शन में सीधे जाती रहे जाती रहे, तो उसी को हम बोलते हैं रेक्टलीनियर प्रोपोगेशन, या आप इजी लैंग्वेज में स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, गॉट इट। तो ये आपकी दो पॉइंट हो गए। अब थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। इट हैज ड्यूअल नेचर, भाई ये ड्यूअल नेचर, इट हैज ड्यूअल नेचर मींस वेब नेचर और पार्टिकल नेचर। इसके पास, लाइट के पास दो टाइप के नेचर होते हैं, उसके पास वेब नेचर भी होता है, बताया था ना कि लाइट के अंदर बहुत सारे तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब होती है, तो इसके पास वेब नेचर भी होता है, इसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है। पार्टिकल के बारे में भी हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था, कौन से पार्टिकल होते हैं, फोटोन पार्टिकल, कौन से पार्टिकल, फोटोन पार्टिकल, जो कि एक एलिमेंट्री पार्टिकल थे, सबसे हल्के पार्टिकल थे और जिनका जिनके पास कोई भी मास नहीं था, वो मासलेस थे। आप इंट्रोडक्शन वीडियो में देखेंगे, वहां पे मैंने उसकी स्पीड के बारे में भी सारी चीजें मैंने वहां पे बता रखी है, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गई, इनके अंदर तीन टाइप के गुण हैं, चौथा गुण देखते हैं इनका, चौथा गुण, वेल लाइट फॉल ऑन द सर्फेस इट माइट बी रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट, ठीक। तो अभी इसके पहले भी डिस्कस किया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यहां पे इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी लाइट किसी सरफेस पे गिरेगी
तो या तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी या तो वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है कि वो मीडियम कैसा है। क्या है मीडियम? कैसा है? ओपेक मीडियम होगा तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी। मतलब लाइट हमारी जो होती है वो रिफ्लेक्ट भी कर सकती है और रिफ्रैक्ट भी कर सकती है। उसके पास दो टाइप्स के नेचर होते हैं, जो कि प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। प्लीज आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको अभी नहीं समझ में आएगी। जो बच्चे समझदार हैं, जो बच्चे पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, उनको समझ में आएगी। जो बच्चे थोड़ा कम सीरियस हैं, सीरियस तो सब होते हैं टेंथ में, जो थोड़ा कम सीरियस है वो एग्जाम टाइम में ढूंढेंगे, और ऐसी डिफिनेशन ऐसी चीजें आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। प्लीज बिलीव मी, आप पहले इसका स्नैपशॉट लीजिए, क्योंकि मेरी आदत तो आप जानते ही हैं ना। चलिए स्नैपशॉट ले लीजिए पहले आप इसका, एक अच्छा सा। ओके, देन अब नेचर के इसके बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में चारों चीजें हो गई, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी मीनिंग में या किसी में दिक्कत होती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा आपका। फिर आते हैं हम लोग इसके सेकंड टॉपिक पे, जो कि है इमेज। क्या इमेज? अपने लाइट चैप्टर का सेकंड टॉपिक है इमेज। तो यहाँ पे मैंने इमेज दे रखा है, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे इमेज मैंने दे रखा है। तो इमेज क्या होती है? इमेज का मतलब तो रिफ्लेक्शन भी होता है, तो अभी आप कंफ्यूज नहीं होइए। इमेज का मतलब मैंने यहाँ पे एक डिफिनेशन के क्या बोलते हैं रूप में, एक डिफिनेशन के प्रेजेंस पे दे रखा है। इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू, इट इज अ पॉइंट, इमेज एक पॉइंट होता है जहां पे एटलीस्ट टू, कम से कम दो लाइट रेस एक्चुअली मीट करें या अपेयर टू मीट। यहां पे लिखा है ना मीट और अपेयर टू मीट्स, मीन्स कहने का मतलब यह कि ऐसा पॉइंट जहां पे कम से कम दो लाइट्स का इंटरसेक्शन हो। क्या हो इंटरसेक्शन? मतलब एक लाइट ये लाल वाली ले लेते हैं, रेड वाला मार्कर, और एक लाइट ये ब्लैक वाला मार्कर। मतलब एक ऐसा पॉइंट, जैसे एक पॉइंट मैं बीच में ले लेता हूं, अपने नोज के पास ले लेता हूं, ठीक है, नोज के पास ये एक पॉइंट है, इसके पास एक लाइट रे ऐसी गई, एक लाइट रे ऐसी गई क्रॉस करते हुए, तो मेरे पॉइंट पे इसका इंटरसेक्शन हुआ। ऐसा इंटरसेक्शन मेरे नाक पे, मेरे नोज पे हुआ, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इमेज। क्या उसी पॉइंट पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी, इमेज उसी पॉइंट पे बन जाएगी। अभी मैं आगे आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा बहुत अच्छे से, अभी आप प्लीज डिफिनेशन पे ध्यान दीजिए। इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेस एक्चुअली मीट और अपेयर टू मीट, दो लाइट रे कम से कम उस जगह पे मिले। जैसे मैं यहां पे आपको डायग्राम में छोटा सा कनेक्ट करा देता हूं, जैसे ये एक रे हो गई और यहां पे कोई पॉइंट है, समझ लीजिए यहां पे, रुकिए एक मिनट, जैसा आप समझ लीजिए यहां पे एक पॉइंट है, ठीक। इस पॉइंट पे एक लाइट रे ऐसे गई, दूसरी लाइट रे ऐसे गई, इस पॉइंट पे जब दो लाइट रेस का म्यूटेशन हुआ, यहीं पे क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। क्या बोल जाएगी? इसी को बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। अब इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, जस्ट ए मिनट, क्योंकि मैं खराब नहीं करना चाहता यहां की सारी चीजें, बहुत मेहनत से हुई है, ठीक। तो ये हो गया भाई, क्लियर। तो इमेज का भी हो गया। अब इमेज भी काफी तरह की होती है, जैसे इंसान भी काफी तरह के होते हैं, एक आप हो गए, एक हम हो गए, सबका नेचर अलग होता है, सबका सबकी सारी चीजें अलग होती है, सबके सोचने का तरीका अलग होता है, सबका माइंडसेट। वैसे ही इमेज दो तरह में डिवाइडेड है, एक को बोलते हैं रियल इमेज, सच्ची इमेज, एक को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ऐसा बोलते रखते हो कि ना सच्ची इमेज, मतलब कि एक को सच्ची इमेज बोलते हैं जो सच हो, और एक को अदृश्य बोलते हैं जो कि ना दिखने वाली इमेज, ना अच्छी दिखने वाली इमेज हो, नकली इमेज। एक सच्ची इमेज, सही इमेज, एक नकली इमेज। अभी आया, थोड़ा हिंदी में मेरा थोड़ा सिस्टम गड़बड़ है, ठीक है। तो चलो देखते हैं रियल इमेज क्या होती है भाई, रियल इमेज पे बात करेंगे। वेल लाइट एक्चुअली मीट, लाइट तो मीट करेगी। वेल देखो लाइट में क्या था कि वहां पे दो लाइट, इमेज का डिफिनेशन क्या थी, वहां पे दो लाइटें मीट ऐसे कर रही थी, तो वही इसी से रिलेट होगा, ठीक। वेल लाइट रेस एक्चुअली मीट टू ईच अदर, जब लाइट रेस एक दूसरे से मीट करेगी तो एक्चुअली मीट टू ईच अदर, इट कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो वो किसी स्क्रीन पे नहीं बन सकती। स्क्रीन मतलब, कहने का मतलब है कि जैसे मैं आपको बताना चाहूं तो इसका मैं पहले आपको डिफिनेशन समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसको कंपेयर करके एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो व्हेन लाइट रेस एक्चुअली मीट टू ईच अदर, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन एंड इट विल बी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। क्या उल्टा? मतलब कहने का है कि रियल इमेज हमारी क्या होती है कि जब दो लाइट हमारी मिलेंगी, तो मिलने के बाद एक क्या बोलते हैं इमेज बनेगी। क्या बनेगी? एक इमेज बनेगी। जब दो लाइट रेस हमारी मिक्स मिलेंगी, ऐसे जब दो लाइट मिलेगी तो यहां तो एक इमेज बनेगी, ठीक। इमेज बनने के बाद वो किसी स्क्रीन पे बनेगी। किस पे बनेगी? किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन होगी, और वो हमेशा इन्वर्टेड रहेगी, मतलब उल्टी रहेगी।
मैं अभी आपको इसका बहुत ही अच्छा एक डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा। एक इंसान खड़ा रहेगा और बढ़िया सारी चीजें उसमें आपको दिखेगी। तो आप इसको डिफिनेशन में देख सकते हैं कि पहली बात तो इमेज जो बनेगी एक स्क्रीन पे बनेगी। किस पे बनेगी? एक स्क्रीन पे बनेगी। और यह हमेशा इन्वर्टेड रहेगी, उल्टी रहेगी। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं डाउनवर्ड, डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं, डाउनवर्ड इमेज। इन्वर्टेड को आप डाउनवर्ड इमेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इमेज आपकी हो गई। अब आते हैं नकली इमेज पे। किस पे? नकली इमेज पे, जो कि बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक। वेन लाइट रेस अपेयर टू मीट, जब लाइट रेस मिलने लगेगी, जब लाइट रेस मिलने लगेगी, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। पहली वाली ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पे बनेगी लेकिन दूसरी वाली स्क्रीन पे नहीं बनेगी। कहां पे बनेगी फिर देखते हैं। कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन एंड इट विल बी इरेक्ट, इट विल बी इरेक्ट। कभी भी जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी तो वो स्क्रीन पे नहीं बनेगी, वो हमेशा स्क्रीन पे नहीं बनेगी, और रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे बनेगी। वर्चुअल इमेज फिर कहां बनेगी? वो हमेशा ऐसी जगह पे बनेगी जहां पे कोई स्क्रीन नहीं होगी, कुछ और होगा लेकिन स्क्रीन नहीं होगी। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। पहले तो इरेक्ट का मतलब, इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा, परपेंडिकुलर। कोई भी चीज, जैसे मैं इस जमीन के ऊपर परपेंडिकुलर खड़ा हूं, तो मतलब रियल वर्चुअल हमेशा क्या बनते हैं? इरेक्ट, परपेंडिकुलर। और अगर इसी सरफेस के नीचे मुझको खड़ा कर दो, मतलब मेरी मुंडी नीचे कर दो, पैर मेरा ऊपर कर दो, तो ये बनेगी इरेक्ट, इन्वर्टेड। क्या बनेगी? इन्वर्टेड। मुझे उल्टा कर देंगे तो इन्वर्टेड, और सीधा कर देंगे तो इरेक्ट। इन्वर्टेड और इरेक्ट प्लीज भाई दिमाग में डाल लेना, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इसका बहुत यूज है। न्यूमेरिकल सेक्शन में यूज है, उसके बाद आप वहां पे इमेज फॉर्मेशन में जाएंगे वहां पे यूज है। तो मैं फिर से एक बार कर देता हूं, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, जैसे ये मार्कर सीधा है, क्या है? दोनों भाई भाई, ठीक। ये रेड वाले, ये रेड कलर का क्लॉथ पहना है, ये ब्लैक कलर का क्लॉथ पहना है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो इसमें देखो, इसका सर ये है, इसका पैर ये है, इसका सर ये है, इसका पैर ये, ठीक। अब जब ये दोनों सरफेस, मेरा हाथ सरफेस इस पे ऐसे खड़े होंगे तो इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर मतलब इरेक्ट। क्या? इरेक्ट। ऐसे खड़े तो इरेक्ट, और इसको अगर अभी क्या बोलते हैं, ऐसे उल्टा कर देते हैं हम, सरफेस के नीचे भी रहेगा ये, नहीं ऐसे नहीं करेगा, सरफेस के नीचे और ऐसे उल्टे। अभी ये ऐसे सीधे ऊपर थे तो इरेक्ट, सीधे ऊपर थे तो इरेक्ट थे, अभी नीचे चले गए तो इन्वर्टेड, ठीक। तो ये इरेक्ट और ये इन्वर्टेड, इसे आप अच्छे से ध्यान में बैठा लीजिएगा। और जब भी ऐसे रहेगी तो मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी? वर्चुअल इमेज। और ऐसी बनेगी तो हमेशा रियल इमेज बनेगी। कैसी? रियल इमेज। अभी मैं आपको इन दोनों का एक कंपैरिजन देता हूं, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या बोलते हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं या सिनेमा हॉल में देख रहे हैं, ठीक। आप कोई मूवी देख रहे हैं तो क्या आप उस मूवी में अपने आप को देख पाते हैं? अगर आप उसके सामने ऐसे खड़े हो जाइए, ऐसे क्या बोलते हैं, पासपोर्ट फोटो खिंचाने के लिए, तो अगर आप उसमें अपने आप को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो वो क्या होगा? रियल इमेज। क्या होगा? रियल इमेज। वो हमेशा आपकी कौन सी इमेज बनेगी? रियल। और उसमें हमेशा क्या बोलते हैं, क्या रहेगा? इन्वर्टेड फॉर्म होगा। क्या होगा? इमेज इन्वर्टेड फॉर्म। लेकिन जब भी आप एक शीशे के सामने खड़े होते हैं, एक मिरर के सामने, मिरर के सामने आप खड़े होते हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं? अपने आप को हूबहू ऐसा ही पाते हैं, अपने आप को हूबहू ऐसा ही पाते हैं। जितने डिस्टेंस पे आप शीशे से खड़े हो, आप ध्यान से देखिएगा, कभी बड़े शीशे में जब जाते हैं ना मॉल वगैरह में, सेल्फी उल्फी ऐसे लेते हैं ना, वो वाला जो ऐसे करके सेल्फी लेते हैं भौकाल में एकदम, तो जब भी आप उसके सामने, शीशे के सामने खड़े होंगे, तो आप क्या देखेंगे? शीशे से जितने दूर आप बाहर खड़े हैं, शीशे से अंदर भी आप उतने ही दूर खड़े रहेंगे। मतलब एक्स डिस्टेंस अगर आप बाहर हैं तो आप अंदर भी एक्स ही डिस्टेंस है। तो ये होती है वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज, जिसमें आप कैसे खड़े होते हैं? परपेंडिकुलर। कैसे? परपेंडिकुलर मतलब इरेक्ट खड़े होते हैं ऐसे भाई, ठीक। तो ये थी हमारी दो टाइप की इमेज, रियल एंड वर्चुअल। रियल को हम सही इमेज बोलते हैं, वर्चुअल को हम गलत इमेज बोलते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, आप लोग इसे प्लीज नोट्स बना लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी चीजें दे रखी, उसके बाद मैं इसके आगे थोड़ी चीजें और डिस्कस करूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इसको स्नैपशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में इमेज फॉर्मेशन ऑन प्लेन मिरर। ऑन लिख दीजिए यहाँ पे, ऑन प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर पे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या बोलते हैं, मिरर पे देखने के बाद, क्योंकि मिरर इसका बेसिक है। उसके बाद हम लेंस पे भी देखेंगे, और उसके बाद हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर पे भी देखेंगे, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस पे भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लेन मिरर पे, जो शीशा हमारे घर में होता है, उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए टाइम न खराब करते हुए इसके आगे देखते हैं।
तो यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा डायग्राम बना रखा है, जैसा कि मैं डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना पाता बट मैं कोशिश पूरी करता हूँ, वैसे आप भी पूरी कोशिश करिए। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है जो कि प्लेन मिरर का डायग्राम है। किसका है? प्लेन मिरर का डायग्राम। सपोज करिए कि आप अपने शीशे के सामने खड़े हैं, क्योंकि जब आप, मैंने बोला था ना शुरुआत में कि इमेजिनेशन, फिजिक्स इस पे बेस है, इमेजिनेशन पे। अगर आपका इमेजिनेशन तगड़ा है, आप इमेजिन तगड़ा कर ले रहे हैं, बैठे बैठे सोच ले रहे हैं हाँ ये हो जा रहा है, तो फिजिक्स आप उड़ा दोगे। ठीक है, तो इससे पहले कि आप यहाँ पे आए, इससे पहले आप अपने आप को सोचिए कि मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ। ये जो मैंने ये जो बनाया है छोटा सा एक डायग्राम, बहुत अच्छा था ये, क्या बोलते हैं इसका नाम है सिस्टम। क्या? सिस्टम। अब ये क्या बोलते हैं, शीशे के सामने खड़ा है। अब सिस्टम कोई भी लड़का हो सकता है, ठीक है, आप अपने आप को सिस्टम मान सकते हैं। तो ये शीशे के सामने खड़ा है, और शीशा कहाँ पे? ये है। ये क्या है? मिरर है। क्या है? मिरर, वो भी कौन सा? प्लेन। ये प्लेन मिरर है, ऐसा लंबा सा जो देख रहे हो रेड रेड, ये प्लेन मिरर है। और सिस्टम उसके सामने खड़ा हुआ है, ये जो लड़का है उसके सामने खड़ा हुआ है। तो आप समझिए कि आप इस शीशे के सामने खड़े हैं। उसके बाद इतने अपने आप को इस शीशे में देखा, इतने अपने आप को इस शीशे में देखा, और आप जैसा कि जानते हैं कि शीशे के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमको अंदर हूबहू वैसा ही आदमी, वैसा ही वैसा का वैसा सब कुछ दिखाई देता है। वैसे ये जब सामने खड़ा हुआ तो वैसा का वैसा ये अपने आप को देखा, आश्चर्यचकित हो गया, कह रहे यार जैसा मैं खड़ा था वैसा का वैसा मैं दिख रहा हूं। जितनी डिस्टेंस पे वो खड़ा था उतनी डिस्टेंस पे वहां पे अपीयर हुआ। बेचारा कंफ्यूज हो गया एकदम से, पहली बार शीशा देखा था और कंफ्यूज हो गया कि यहां से इतनी दूर पे मैं खड़ा था और इतनी दूर पे मैं अंदर भी दिखाई दे रहा हूं, हाउ इट इज पॉसिबल। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ कि हम प्लेन मिरर के सामने खड़े? किसके सामने? प्लेन मिरर के सामने। मैंने बताया था जब भी इमेज बनती है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, जिसको ओ से डिनोट करते हैं, और जो इमेज बनी है उसको आई से डिनोट करते हैं। तो जब भी मैंने बताया था जब भी इमेज बनती है, दो रेस इंटरसेक्ट होती है, कम से कम दो रेस, ज्यादा बहुत हो सकती है, लेकिन कम से कम दो रेस का इंटरसेक्शन होगा तब जाके इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे भी ऐसा ही कुछ हुआ है। पहली रे भाई साहब की ये वाली है, ये वाली पहली रे, दूसरी रे ये वाली है, दूसरी रे ये वाली है। ये दो टाइप्स की रेज निकली, और यहां पहली रे तो सीधे गई, टकरा के वापस आ गई। दूसरी रे यहां पे गई, जिसको बोलते हैं जो जाती है ना रे, उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या? इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट शीशे में टकराने के बाद, सरफेस पे टकराने के बाद वापस होती है ना, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे थी, इसीलिए इसे IR का नाम चलो दे देते हैं, इंसिडेंट रे, और इसे हम क्या देते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, RR का नाम दे देते हैं चलो। तो शीशे पे टकराने के बाद, सर शीशे पे टकराने के बाद ये इधर आई, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये वाली और ये वाली एंगल सेम होंगे। हाँ भाई, ऑब्वियसली सेम होंगे, क्योंकि शीशा हम देख रहे हैं, और शीशे पे जब हम देखते हैं तो वो बहुत पॉलिश्ड होता है, और जब कोई भी चीज पॉलिश होता है तो उस पर उसका IR हमेशा बराबर होता है। अभी आप आगे जाएंगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैं बताने वाला हूं थोड़ी देर बाद, तो आपको कनेक्ट हो जाएगा। तो आप इतना देखिए बस कि आई और आर हमेशा क्या होते हैं? आई एंगल एंगल तो पढ़ा होगा ना भाई मैथ में, बहुत अच्छे से सर पढ़ा रहे हैं। तो आई आर हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इंसिडेंट रे गई, रिफ्लेक्टेड यहां गई। तो हमने ये देखा कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ना तो ये रे इससे मिली, ना ये रे इससे, पहली वाली ना दूसरे से मिली, ना दूसरी वाली पहले से, जब एक दूसरे से मिली ही नहीं तो कैसे हम कह दें कि इमेज का फॉर्मेशन हो गया? ये भाई साहब जो सिस्टम थे यहां पे कैसे बन गए? कैसा हुआ यहां पे कि जब भी इंटरसेक्शन नहीं होगा तो हम क्या बोलते हैं उसके पीछे की, कह सकते हैं उसका हाथ पकड़ के खींच देंगे। क्या कर देंगे? हाथ पकड़ के खींच देंगे। तो इनका पकड़ के हाथ मैंने ऐसे ऐसे खींचे डॉट डॉट करके, यहां पे मैंने डॉट डॉट करके इनका हाथ पकड़ के खींच दिया लंबे से उसी लाइन पे, ठीक है, उन्हीं के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मैंने उनका हाथ पकड़ के खींच दिया, तो लंबे से हो गए। फिर जो इंसिडेंट रे गई थी वो रिफ्लेक्टेड रे जब लौट के, तो उसके रिफ्लेक्टेड रे का हाथ पकड़ के खींच दिया, रिफ्लेक्टेड रे का भी हाथ पकड़ के खींच दिया। यहां पे मैंने रिफ्लेक्टेड रे का यहां पे भी हाथ पकड़ के खींचा, और यहां पे भी मैंने रिफ्लेक्टेड रे का हाथ पकड़ के खींचा। अच्छा सर, यहां पे कहां? यहां तो आपने इंसिडेंट रे का हाथ पकड़ के खींचा था जो यहां पे, ये भी भाई मैं बता दूं, यहां पे भी देखो दो हो रहा है, यहां पे भी, यहां इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो यहां पे भी पहली इंसिडेंट रे और जो लौट के आई वो रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो भाई, रिफ्लेक्टेड रे का हाथ पकड़ के यहां खींचा, रिफ्लेक्टेड रे का हाथ पकड़ के यहां खींचा, जब दोनों का हाथ पकड़ के मैंने खींचा तो यहां पे देखो कहीं इंटरसेक्शन हुआ। ध्यान से ये देखो लाइन, एक लाइन ये देखो ऐसे गई और एक लाइन देखो ये ऐसे आई, तो यहां पे कहीं दोनों पॉइंट मीट कर गए। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि जहां पे दो पॉइंट इंटरसेक्ट होंगे वहीं इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर ना? हाँ, तो यही था, जहां पे दो लाइन, दो चीजों का इंटरसेक्शन होता है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। हमारे केस में कैसे होता है? हम शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं,
अपना बाल बाल बढ़िया देखते हैं, शीशे के सामने सब खड़े हो जाते हैं। शीशे के सामने खड़े होने के बाद हमारी आंख से कुछ ऐसा ही होता है, हमारी आंखों से, क्योंकि हमारी आंख क्या एक लाइट सोर्स है ना, तो यहां से भी रिफ्लेक्शन होगा, तो हमारी आंखों से भी कुछ ऐसा ही होता है कि एक रेज हमारी ऐसे निकल जाती है और एक शीशे से रिफ्लेक्ट होकर पीछे जाती है, दोनों पीछे जाके मिल जाती है, दोनों शीशे के पीछे जाके इंटरसेक्ट हो जाती हैं। जब दोनों शीशे के पीछे जाके इंटरसेक्ट हो जाती हैं, तो इसी वजह से हम अपने आप को वहां पे देख पाते हैं। जैसा शीशे के बाहर रहते हैं वैसे ही शीशे के अंदर रहते हैं। अगर यहां पे 4 मीटर पे खड़े हैं भाई, ध्यान से, चार मीटर पे नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 मीटर पे, 1 मीटर पे अगर शीशे के आगे खड़े हैं तो 1 ही मीटर पे शीशे के पीछे हम दिखाई देंगे। किसके केस में? प्लेन मिरर के केस में। किसके केस में? प्लेन मिरर के केस में। पहले आप एक स्नैपशॉट लीजिए, क्योंकि मेरी हालत तो आप जानते ही हैं, ठीक है, ओके, हो गया होगा। तो ये हुआ आपका पूरा, क्या बोलते हैं, रे डायग्राम प्लेन मिरर का, भाई आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, सर समझ में नहीं आया, मैं फिर से वीडियो बनाकर समझाऊंगा। लेकिन आप एक बार फिर से यहां पे देख लीजिए कि यहां पे सिस्टम भाई खड़े थे, इनकी आंखों से अपने आप को सिस्टम मान लो, यहां से इनकी रे निकली, दोनों इंसिडेंट के फॉर्म में निकली, शीशे पे टकराई तो रिफ्लेक्टेड बन गई, शीशे पे टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड बन गई, तो शीशे पे टकराई तो एक रिफ्लेक्ट हुई, दूसरी भी रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन दोनों मीट नहीं की तो इमेज कैसे बनेगी। तो इसीलिए इन दोनों का टांग पकड़ के ऐसे कह सकते हैं कि हाथ पकड़ के खींचा मैंने और शीशे के पीछे ये दोनों इंटरसेक्ट की, क्या की? इंटरसेक्ट, और वहीं पे हमारे इमेज का फॉर्मेशन हो गया, हमारे सिस्टम भाई साहब वहीं पे अपेयर हो गए। समझ में आया? तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन। अब जैसे इमेज बना, इमेज की प्रॉपर्टी अभी हम लोग ने पढ़ी, ठीक है, इमेज की प्रॉपर्टी पढ़ी, वर्चुअल होते हैं और रियल होते हैं, वैसे ही इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी जानना जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो अंदर के गुण होते हैं, जैसे हमारे क्या गुण होते हैं, हम सोच सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम आपसे बातें कर सकते हैं ना, ये सब हमारे गुण है, हम फील कर सकते हैं कोई झापड़ मारता है तो वैसे ही इस इमेज के अंदर इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसे हम थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है, बस मुझे डिफाइन करना है, ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक, इमेज विल बी वर्चुअल और इरेक्ट। इमेज या तो वर्चुअल बनेगी या तो इरेक्ट बनेगी। भाई ये वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब क्या है? वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल इरेक्ट का मतलब खड़ा, परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर। तो भाई इमेज कैसी बनी है? ऑब्जेक्ट भी परपेंडिकुलर था सरफेस पे और इमेज भी सरफेस पे परपेंडिकुलर। तो हमेशा प्लेन मिरर के केस में बोल रहा हूं, किसके केस में? प्लेन मिरर के केस में हमेशा इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी, नकली बनेगी। मतलब कहने का नकली का मतलब क्या है? आप तो कहोगे सर सही बन रही है, जैसा बाहर खड़ा था वो सिस्टम वैसा उसका अंदर भी था। भाई नकली का मतलब ये है कि जैसा वो खड़ा था, अगर वो ऐसे खड़ा है समझ लो उसने बाल ऐसे इधर से किए हुए हैं, तो उसके बाल का जो ये क्रॉस कटिंग रहेगा ये इधर से आएगा, मतलब वो लेटरल इन्वर्जन दिखेगा। अभी मैं टॉपिक है एक लेटरल इन्वर्जन, उस पर मैं डिस्कस करता हूं। अभी आप जान लीजिए कि वो जब सीधा खड़ा रहेगा तो वो शीशे के अंदर उल्टा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। सर ये कैसे पता चलेगा? तो आज जाना, जब शीशे के सामने खड़े हो ना, तो अपने बगल में कह देना अपनी मम्मी को या आपके भाई जो भी होंगे वो खड़े हो जाएं। जब वो आपको देखेंगे, आप अपने आप को देखेंगे तो नहीं लगेगा कि आप उल्टे खड़े हैं, लेकिन जब वो आपको देखेंगे तो लगेगा कि आप शीशे के अंदर उल्टे दिखाई दे रहे हैं। आपका जो चेहरा है थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड पे दिखाई दे रहा है, आपकी जो बाल की हेयर कटिंग है वो इधर से दिखाई दे रही है, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, या तो आप सिंपल से एक बैच लगा लीजिएगा यहाँ पे, वो जब वहां पे खड़े होंगे तो वो बैच कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आप इसे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपने घर में, ठीक है। तो ये था वर्चुअल एंड इरेक्ट, समझ में आया? इरेक्ट मतलब एकदम खड़ा होना और वर्चुअल का मतलब उल्टा दिखना, ठीक है, नकली दिखना, सही ना दिखना। फिर सेकंड देखते हैं, इमेज विल बी अपेयर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था इक्वल डिस्टेंस, देखो 1 मीटर पे ये खड़ा था तो 1 मीटर पे अंदर भी खड़ा था, तो जो हमेशा इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट से इक्वल डिस्टेंस पे बनेगी। अगर ये 1 मीटर यहां पे खड़ा है तो 1 मीटर वो अंदर में भी दिखाई देगी, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, इट विल अपेयर ऑन बिहाइंड द स्क्रीन। भाई सिस्टम जो लड़का था वो यहां खड़ा था तो कहां दिखाई दिया? वो शीशे के पीछे, बिहाइंड द स्क्रीन। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ये गुण ये भी हो जाता है कि अगर कोई इंसान खड़ा होगा तो उसकी इमेज जो बनेगी वो हमारे क्या बोलते हैं, शीशे के पीछे बनेगी। चलो चौथा देखते हैं, चौथा, इमेज विल अपेयर इक्वल एज शेप एंड साइज। अच्छा भाई ये बताओ, जब आप शीशे के सामने खड़े होगे तो क्या आप बड़े हो जाओगे, क्या आप छोटे हो जाओगे? नहीं, आप जितने बड़े रहोगे आप उतने ही बड़े दिखोगे, आप जैसे रहोगे आप वैसे ही दिखोगे, आपका शेप सही रहेगा, आपकी साइज भी सेम रहेगी।
उम्र नहीं बढ़ जाएगी, एज नहीं बढ़ जाएगी, हाइट नहीं बढ़ जाएगी, हाइट कम भी नहीं हो जाएगी, जैसे रहेंगे वैसे ही दिखाई देंगे। आज शीशे के सामने खड़े होना और देखना, अगर बड़े छोटे दिखते हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में इस चीज पर मैं बात करूंगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया चार पॉइंट जो कैरेक्टरिस्टिक इसकी थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी प्लेन मिरर की, तो इसे आप करिए, उसके बाद मैं इसके अगले टॉपिक पे बात करता हूं। वैसे आपने स्नैपशॉट तो ले ही लिया था तो उसके लिए ठीक है, थैंक यू। चलिए देखिए, ओके गाइस, तो जैसा कि अभी हमने पीछे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था, प्रीवियस टॉपिक था, उसमें हमने डिस्कस बहुत सारी चीजें की, तो आगे चलिए देखते हैं इस चैप्टर में और क्या चीजें हैं। तो इस चैप्टर में मैंने इसके बाद दिया लैटरल इन्वर्जन, क्योंकि इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने ये देखा था कि मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारी जो तस्वीर आती है वो इरेक्ट आती है, मतलब खड़ी परपेंडिकुलर आती है, और जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम हमारी लेफ्ट हैंड साइड अपेयर होकर राइट हैंड साइड पे आती है और राइट हैंड साइड अपेयर होकर लेफ्ट हैंड साइड आती है। हम अपने आप को ऐसा क्यों नहीं देख पाते बहुत अच्छे से, क्योंकि हम 10 या 20 साल से अपने आप को शीशे में देखते आ रहे हैं, वैसे के वैसे ही हैं, थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम अपने आप को एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं कर पाते। आप जब भी जाइएगा शीशे के सामने खड़े होइएगा तो अपने दोस्त से या जो भी आपके घर में होंगे उनसे आप कहिएगा, क्या मैं उल्टा दिख रहा हूं? तो वो आपको डेफिनेटली बोलेंगे कि हाँ, आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड पे साइड दिख रही है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे अपीयर होती हुई दिख रही है। तो इसी वजह से लेटरल इन्वर्जन में हम लोग क्या चीजें देखेंगे, इसे हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। इट इज द इफेक्ट दैट प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज रिवर्सिंग इमेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड दैट इज व्हाई एम्बुलेंस राइट एंड लेटरली। ठीक है, कहने का मतलब कि जब भी हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारी जो राइट हैंड साइड होती है रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। राइट हैंड साइड लेफ्ट पे दिखती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे दिखती है। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। ऐसा ही हमने एम्बुलेंस में भी देखा है कि एम्बुलेंस के बाहर जो लिखा रहता है एम्बुलेंस, वो कुछ ऐसा लिखा रहता है, भाई आपने देखा होगा कुछ उल्टा लिखा रहता है। अब क्या वो पागल है जो वो उल्टा लिखते हैं? नहीं, पागल नहीं है। दैट इज नोन एज साइंस। हर जगह साइंस का यूज है। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हर जगह साइंस का यूज है। तो इसीलिए साइंस का यूज करके इन्होंने क्या किया कि एम्बुलेंस को अपने बोनट पे, बाहर बोनट पे जो लिखते हैं उसे उल्टा लिखते हैं। उल्टा क्यों लिखते हैं, इसका सिग्निफिकेंट मैं समझाता हूं। उल्टा इसलिए लिखते हैं कि जब भी कोई भी अनदर गाड़ी वाला, जैसे कोई बाइक वाला या कोई बाइक से जा रहा है या कोई कार से जा रहा है, वो पीछे मुड़ के नहीं देख पाता तो वो अपने बगल वाले मिरर में देखता है, अपनी हेडलाइट में देखता है, ठीक है, अपनी फ्रंट लाइट में देखता है, ठीक है। उसमें देखने के बाद उस शीशे में वो क्या देखता है कि ये उल्टी चीजें मिरर में क्या होती है, सीधी हो जाती है। मतलब ऐसे अगर उल्टी लिखी है पीछे, अगर कोई एम्बुलेंस आ रही है, सपोज करिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि समझ लीजिए मैं एक बाइक चला रहा हूं, ठीक, मैं एक बाइक चला रहा हूं और मेरे पीछे एम्बुलेंस आ रही है, और एम्बुलेंस आ रही है और मुझे देखना है कि वो कौन सी गाड़ी है पीछे, तो मैं अपने बगल अपने सामने वाले शीशे में देखूंगा वहां पे कि पीछे एम्बुलेंस है। जब मैं अपने शीशे में देखूंगा तो ये ऐसा ना अपीयर होके ये ऐसा अपीयर होगा, ठीक है, ये ऐसा ना अपीयर होके ये ऐसा अपीयर होगा। तो इसको हम इजिली पढ़ लेंगे कि ये क्या लिखा है, एम्बुलेंस, ठीक है। इसीलिए एम्बुलेंस जो होती है उसमें कभी भी उसके बोनेट पे, उसके पीछे हमेशा एम्बुलेंस उल्टे से लिखा जाता है, क्योंकि ये इसका लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे अपेयर होती है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे अपेयर होती है, इसीलिए हमको एम्बुलेंस पूरा ऐसा दिखाई देता है। गॉट इट? तो यही सिग्निफिकेंट होता है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये था लेटरल इन्वर्जन, और आप ये डिफिनेशन अगर अपने एग्जाम में लिखेंगे तो आपका नंबर कोई काट नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी डिफिनेशन निकाली है। जैसे इट इज द प्रोसेस, इट इज द इफेक्ट दैट प्रोड्यूस बाई उनके द्वारा पैदा की गई बाई प्लेन मिरर। किसके द्वारा? प्लेन मिरर के। क्या हुआ? रिवर्स हो गई। क्या रिवर्स हो गया? इमेज रिवर्स हो गई। लेफ्ट हैंड की चीजें राइट पे चली गई, राइट हैंड की चीजें लेफ्ट हैंड पे चली गई। और उस ऐसी प्रोसेस हम एम्बुलेंस में भी देखने को पाते हैं। तो इसी का यही था हमारा लेटरल इन्वर्जन। गॉट इट? तो इसके आगे इसकी थोड़ी चीजें जो और है, जो कि बहुत ही जरूरी है, हम देखना चाहेंगे, उसके बाद हम आगे के टॉपिक में बढ़ेंगे, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर। भाई अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्ट करती है कोई चीज, रिफ्लेक्ट करती है तो इमेज पाते हैं। तो भाई बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन होता है? जिसपे से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो हमको अपना चेहरा उसमें दिखाई देगा, हम अपने आप को उसमें देख पाएंगे, हमारी इमेज उसमें बन पाएगी। तो बेस्ट रिफ्लेक्टर के अंदर क्या गुण होते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो ये देखते हैं। बेस्ट रिफ्लेक्टर के अंदर पहला गुण ये होना चाहिए कि इट शुड हैव शाइनी सरफेस। इसके पास क्या होनी चाहिए? सरफेस होनी चाहिए, वो चमकदार, शाइनी होनी चाहिए। अगर सरफेस शाइनिंग नहीं होगी
तो हम अपने आप को वो बेस्ट रिफ्लेक्टर नहीं कहलाएगा, हम अपने आप को उस शीशे में उस चीज में नहीं देख पाएंगे। ठीक, दूसरा गुण क्या होना चाहिए, इट शुड हैव पॉलिश्ड सरफेस, वो एकदम घिसी होनी चाहिए, एकदम पॉलिश होनी चाहिए, एकदम चमचमानी चाहिए, तो उसमें हम अपने आप को देख पाएंगे। अब आप ये सोचते रहिए कि ये सब सारी चीजें क्या शीशे में होती है, तब तक मैं तीसरा बताता हूं। तीसरा क्या है, इट शुड हैव स्मूथ सरफेस, उसकी सरफेस क्या होनी चाहिए, एकदम स्मूथ, एकदम प्लेन होनी चाहिए, तब तो हम अपने आप को उसमें देख पाएंगे, तब तो वो बेस्ट रिफ्लेक्टर कहलाएगा, अदरवाइज वो बेस्ट रिफ्लेक्टर नहीं कहलाएगा। तो ये तीन गुण हमारे उसमें प्लेन मिरर में होते हैं, वो बहुत शाइनी भी होता है, चमकता भी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके कमरे में वो शीशा चमक रहा है, तो आप उसको धूप में ले जाकर रख दीजिए, देखिए फिर सन की लाइट से पड़ेगी, रिफ्लेक्ट करेगी और चमचम चमचम एकदम चमचमाएगा। ठीक है, फिर इट शुड हैव पॉलिश्ड, वो एकदम पॉलिश्ड होता है भाई, अगर उसके बाद उसको पॉलिश करने की कोशिश करोगे तो वो खराब हो जाएगा, मतलब 0% पॉलिश्ड एकदम होता है वो। ठीक है, ये हो गया। देन थर्ड होता है इट शुड हैव स्मूथ, वो इतना स्मूथ होता है कि आप शीशे पे चल नहीं सकते, आप अगर अभी टाइल पे चलेंगे तो आप सरकने लगते हैं, तो सोचिए अगर आप शीशे पे चढ़ेंगे तो आप क्या होंगे, आप गिरेंगे बार बार, तो उस पर एकदम फ्रिक्शन होता ही नहीं, वो फ्रिक्शन लेस होता है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन आप पढ़े होंगे अपने 8-9 वाले चैप्टर में, जहां फ्रिक्शन का मतलब रगड़, कोई भी रगड़ ना हो, तो वो फ्रिक्शन लेस होता है, एकदम स्मूथ होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इस पहले वीडियो का द एंड करते हैं, क्यों द एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी तो देखने में मजा भी नहीं आएगी, इसके बाद वाले वीडियो में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो प्लीज बने रहिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल के साथ, एजुकेशनल हाई के साथ, और यहाँ पे सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, मैथ भी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि 10th पे हमारा ज्यादा फोकस है, क्योंकि 10th के बच्चे बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग में थे और उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से वो ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं, अपनी पूरी जान लगा रहे हैं कि ऑनलाइन कोचिंग में आपको, ऑनलाइन क्लासेस में आपको सारी चीजें दी जाए, फ्री में प्रोवाइड होती है यूट्यूब पे। तो आप प्लीज इस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, शेयर करिए वीडियो, लाइक करिए वीडियो को दबा के, और उसके बाद अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो कैसी बनी हुई है। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, एंड फिजिक्स मीन्स लव, अगर आप इमेजिनेशन अच्छा रखेंगे तो बिलीव मी प्यार हो जाएगा फिजिक्स से आपको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, आप कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।